ये लहसुन पापड़ है, पंजाबी पापड़ है। पंजाबी मतलब भांगड़ा करती है। हाँ भांगड़ा खाने में टेस्टी लगता है ना। हाँ तेज रहता है। यहाँ पे दोस्तों सारे मिक्स्ड नेचुरल फाइबर्स है। ये केन का प्रोडक्ट है, वाटर हाइसिंथ, दिस इज कहुना एंड दिस इज मेड आउट ऑफ बैम्बू। दोस्तों अब मैं एंटर कर गया हूँ एग्जीबिशन हॉल नंबर 5 पे, नारियल विकास बोर्ड। अरे भैया यहाँ एक बार देखते हैं यहाँ क्या चीजें। ये एक नेचुरल कोकोनट वाटर है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं है? इसमें एक प्रिजर्वेटिव है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सके। अच्छा, तो बाकी कितने का है एक ये बॉटल? ये 35 रुपीज का कोकोनट वाटर बॉटल में। मजा नहीं आ रहा है, वो नेचुरल कोकोनट वाटर वाली फीलिंग नहीं आ रही है, प्रिजर्वेटिव डाल दिया है वो ना इस वजह से। देखो दोस्तों ये तो मेरे को कुछ यूनिक सा ही लग रहा है, ड्रोन टाइप का। ये एक रेगुलर ड्रोन है। हाँ जी, जैसे हम केमिकल स्प्रे कर सकते हैं, लिक्विड केमिकल। अच्छा, जैसे हम यूरिया स्प्रे करते हैं, है ना, यूरिया मैनुअली स्प्रे करते हैं, ट्रैक्टर ऑपरेटेड या मशीन से जो स्प्रे करते हैं। हाँ जी, हैंड ऑपरेटेड या मशीन ऑपरेटेड या पेट्रोल इंजन जो बैटरी ऑपरेटेड जो भी स्प्रे करते हैं वो मैनुअली करते हैं। ये हम इससे आप ऑटोमेटिकली ड्रोन से हम स्प्रे कर सकते हैं। एक एकड़ के लिए 10 लीटर कैपेसिटी है, ठीक है। ये टैंक 10 लीटर कैपेसिटी बैटरी से चलते हैं ये। ठीक है, इसको आप 10 मिनट में एक एकड़ आप कवरेज कर सकते हैं। 10 मिनट में? तो दोस्तों ये मेरे को थोड़ा यूनिक लगा, ये सारे वॉल हैंगिंग कार्पेट्स हैं। अगर कोई बच्चा आ रखा है आप लोगों के साथ तो उसको यहाँ पे गलती से भी मत लाना। आपकी जेब तो वो ढीली करके जाएगा ही जाएगा पक्का। ये देखो दोस्तों हॉल वाइज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको जिस भी हॉल में जाना है आप जा सकते हो। अभी मैं जा रहा हूँ हॉल 5 के फर्स्ट फ्लोर में। ये देखो दोस्तों ये सारे स्टॉल्स आपको हरियाणा स्टेट से रिलेटेड मिलेंगे। ये देखो दोस्तों यहाँ पे सारे पुडुचेरी से रिलेटेड स्टॉल्स हैं। दोस्तों अब हम एंटर कर रहे हैं मणिपुर, ये सारे स्टॉल्स हैं मणिपुर से रिलेटेड, मणिपुर का हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पे दोस्तों सारे मिक्स्ड नेचुरल फाइबर्स है। ये केन का प्रोडक्ट है, वाटर हाइसिंथ, दिस इज कहुना एंड दिस इज मेड आउट ऑफ बैम्बू। अब दोस्तों हम एंटर करने जा रहे हैं महाराष्ट्र। दोस्तों ये है महाराष्ट्र की पेटनी साड़ी, इस प्रोसेस से बनाते हैं और ये जब बन जाती है तो ये ऐसी दिखती है। सर ये आपके पास क्या प्रोडक्ट? ये सभी हमारे यहाँ की महिलाएं जो है ना बचत गट के थ्रू बनाती है। अच्छा, घर में। और ये सब लहसुन पापड़ है। ये लहसुन पापड़ है, बहुत ही टेस्ट है, लाजवाब टेस्ट रहता है। ये रोस्ट भी कर सकते, फ्राई भी कर सकते हैं और ओवन में भी भून सकते हैं आप उसको। अच्छा, ये लहसुन पापड़, ये पंजाबी पापड़ है। पंजाबी मतलब पंजाबी भांगड़ा करती है। हाँ भांगड़ा खाने में टेस्टी लगता है ना। हाँ तेज रहता है। अच्छा, स्पाइसी रहता है, किसी को ये एक पैकेट कितने का होगा? 80 रुपीज का। 80 रुपीज का, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। नहीं एकदम। ये जो मेथी पापड़ है, मेथी पापड़। हाँ मेथी पापड़, मेथी डाल के बनाते इसको, बहुत ही लाजवाब टेस्ट रहता है। ये भाकरवड़ी है, भाकरवड़ी नागपुर की सबसे फेमस भाकरवड़ी। भाकरवड़ी, हाँ ये देख लो दोस्तों, ये है भाकरवड़ी, नागपुर की सबसे फेमस भाकरवड़ी। हाँ ये स्पाइसी अगर किसी को लगता है तो लहसुन भाकरवड़ी है। हाँ। और ये जो है ये नॉर्मल, जैसे बच्चे वगैरह भी खा सके उसको। हाँ। इस हिसाब से बने, ये चाय के साथ भी खा सकते हैं आप। हाँ। नाश्ते के जैसा भी यूज कर सकते हैं। और ये सब हमारे महाराष्ट्र में घर में खुद भाई लोग बनाते हैं, समूह जो रहते हैं बचत गट। हाँ। 10 लेडीज। हाँ। यानी 10 दिमाग लगते हैं। हाँ। कोई भी कंपनी बनाएंगे तो एक का ही दिमाग लगेगा, एक ही थेरापी लगेंगी, लेकिन हमारे 10 भाई लोगों का दिमाग इसमें डाल के बनाया जाता है, इसलिए इसकी लाजवाब अलग ही टेस्ट रहती है। काला मुनक्का। हाँ। ये क्या चीज है? ये काला मुनक्का होता है, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, इसमें सीड नहीं रहता, सीड लेस रहता है ये। अच्छा। हाँ आप भी टेस्ट करके देख सकते हैं। हाँ जी, इसमें सीड नहीं है, आप टेस्ट कर लो। कोई भी फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं तो उसमें सीड रहता है। नहीं, मुनक्का में वैसे जो होता है वो बीज। हाँ, होता है, वो बीज होता है, ये सीडलेस रहता है, ये दवाई के तौर पर यूज किया जाता है। दोस्तों मैंने 3 चीजें ले ली है, ये है डेट्स, खजूर, ये लहसुन पापड़ और ये भाकरवड़ी। दोस्तों अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ कर्नाटका। ये देख लो दोस्तों, ये है कर्नाटका के स्टॉल्स, मारुति लेदर पपेट क्राफ्ट। ये सारे हैंगिंग्स,
और ये सारे लैम्प्स गुजरात। ये दोस्तों ये देखो, ये है गोंद आर्ट। ये अभी भैया देखो ड्राइंग ही कर रहे हैं। गोंद पेंटिंग बेसिकली ये बोलते डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। हाँ जी। मैं डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव सुनपुरी पाटनगढ़ से हूँ, जहाँ से इस गोंद पेंटिंग की शुरुआत हुई है। हाँ जी। गोंद पेंटिंग इसलिए नाम पड़ा क्योंकि बेसिकली इस आर्ट को गोंद प्रधान कम्युनिटी के लोग ही बनाते हैं। हाँ जी। इसलिए इसका नाम गोंद आर्ट पड़ा। गोंद पेंटिंग में बेसिकली जो गोंडी कल्चर है, यानी जो ट्राइबल कल्चर है, उसके रीति रिवाज हैं, परंपराएं, रहन सहन, जैसे तीज त्यौहार होते हैं तो किस तरीके से वो तीज त्यौहारों में पहनावा ओढ़ावा कैसे वो रिवाजों को मनाते हैं, और बेसिकली गोंद कम्युनिटी जो है प्राकृतिक पूजक है, इसलिए प्राकृतिक को बेस मानकर प्राकृतिक पर चित्रित जो प्राकृतिक पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं, और साथ में गोंद कम्युनिटी के जो किस्सा कहानियाँ हैं या उसकी स्टोरियाँ उनको इसलिए चित्रित किया जाता है। यार ये डाइनिंग टेबल कितना गजब लग रहा है ना, थोड़ी सी कारीगरी ज़्यादा हो रखी है बट अच्छा लग रहा है फिर भी देखने में ना। दोस्तों अब हम एंटर कर रहे हैं तमिलनाडु। ये सारे तमिलनाडु स्टेट के स्टॉल्स हैं। कांचीपुरम प्योर सिल्क साड़ी मिल जाएगी। ट्रेड फेयर की मेरे को ये बात सबसे यूनिक और अच्छी लगती है कि ना सारे स्टेट्स के जो लोकल ब्रांड्स हैं उनके स्टॉल्स यहाँ पे लगते हैं। आप आराम से सारी जगह एक्सप्लोर करके अपने लिए जो भी आपको पसंद है वो आप खरीद सकते हो। मतलब हल्का लेफ्ट लोगे तो आप केरला पहुँच जाओगे, हल्का राइट लोगे तो आप पंजाब पहुँच जाओगे। हाँ थोड़ा प्राइस हो सकता है कि आपको नेगोशिएट करना पड़े, और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे थोड़ा सा आपको महंगा मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों को भी शायद रेंट वगैरह देना होता है तो थोड़ा एक्सपेंसिव तो रखते ही हैं ये लोग। जो ट्राइबल कल्चर है उसको प्रमोट हो रहा है, जो हमारा खादी है वो प्रमोट हो रहा है, जो हमारे स्टेट के लोकल ब्रांड्स हैं वो प्रमोट हो रहे हैं। तो अभी तक जितने भी स्टेट के मैंने गेट्स देखे हैं सबसे बेस्ट मेरे को ये उड़ीसा का ही लगा है। ये देखो दोस्तों मीडिया वगैरह आ रखी है, इंटरव्यू भी चल रहे हैं। ये देखो दोस्तों ये ड्राइड मशरूम है, इसको पानी में भिगा के फिर आप सब्जी के तरीके से बना के खा सकते हो, और ये पैकेट है एक 80 रुपए का, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। दोस्तों ये देखो ये है पटचित्र, ये आर्टिस्ट हैं और ये इनका आर्ट। ये देखो मीडिया भी आ रखी है, इंटरव्यू चल रहा है। अगर ट्रेड फेयर में घूमते घूमते थक जाओ तो ऐसे मसाज भी करा सकते हो, मसाज चेयर दे रखे हैं। दोस्तों ये फूड मसाजर है। अरे दोस्तों मज़ा आ रहा भाई, गजब। पूरा ये साइड से कुशनिंग और हो रखी है, नीचे ऐसे कुछ तो पता नहीं चलता जा रहा है, पूरा जकड़ लिया भाई। अब काव्स की मसाज हो रही है। बहुत अच्छा, एकदम एक एक मसल्स को हिट कर रहा है। दोस्तों अभी डेमो ले रहा हूँ मैं ये मसाजर का। मैं तो ऐसे ही निकल रहा था, पास कर रहा था, ये सर ने मेरे को बुलाया और उन्होंने मेरे को बोला कि एक बार आके देखो जरा। यार ये भैया ने तो बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट किया और पूरा मसाज करवाई है। आधा आधा एक घंटा लग गया। मैं ना पिछले एक घंटे से वॉक कर रहा था और मेरे को ना ऐसे थोड़ा पैरों में दर्द फील हो रहा था। 15 मिनट फुट मसाज हुआ और 15 मिनट ये पूरा बॉडी का मसाज हुआ, और भाई एकदम रिफ्रेश हो गया, जैसे बैटरी रिचार्ज नहीं हो जाती। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ मेरे को ब्लॉगर्स भी मिल रहे हैं। ये देखो, ओहो हो दोस्तों ये देखो अपना वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे देखो उनके स्टॉल्स। सामने ही दोस्तों देख रहा है त्रिपुरा, ये देख लो ये है त्रिपुरा के स्टॉल्स, सारे हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, सेरिकल्चर उनको प्रमोट कर रहे हैं ये, त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड। बहुत ही दोस्तों आपको यहाँ पे यूनिक यूनिक आर्टिफैक्ट्स, हैंगिंग्स, बॉल हैंगिंग, ड्राइंग्स, पिक्चर्स मिल जाएंगे। 30 से ऊपर स्टेट्स और उनके सारे स्टॉल्स, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। ने देखो H1 से लेके H14
14 हॉल्स हैं और मैंने लगभग 3 से 4 हॉल ही कवर कर पाया हूँ, H2, H5, H4 और H6, तो यही मैं कवर कर पाया हूँ। तो मेरे को तो कल या परसों फिर से आना पड़ेगा, बिजनेस डेज में ही आना पड़ेगा। जनरल पब्लिक के लिए जब ये ओपन हो जाएगा ना तो भैया भीड़ आ जाएगी, फिर व्लॉगिंग करना इम्पॉसिबल है। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।